नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया 24। मैं आपके साथ रोहन सोनकर। खबर राजस्थान के भरतपुर में जो विमान हादसे का शिकार हुआ था वो इंडियन एयरफोर्स का लड़ाकू विमान था। दरअसल ग्वालियर एयरबेस से सुबह करीब 9:15 पर वायुसेना के सुखई 30 और मिराज 2000 विमान क्रैश हो गए थे, जो हवा में ही आग का गोला बन गए थे। इनमें से एक मुरैना तो दूसरा भरतपुर में गिरा था। दोनों ही विमान जलकर खाक हो गए। मुरैना के पहाड़गढ़ में सुखई क्रैश हुआ, जिसके चोटिल पायलटों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि भरतपुर के पिंगौरे गांव में मिराज गिरा, जिसके पायलटों की तलाश जारी है। दोनों विमानों ने ग्वालियर एयरबस से करीब सुबह 9:15 पर उड़ान भरी थी। 50 किलोमीटर तय करते ही विमान हवा में जल उठे और मुरैना के पहाड़गढ़ स्थित जंगल में गिरे। इस हादसे में एक पायलट की मौत हो गई।